वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद विच बेअंत भावनावां लेके संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। भागा भरिया समा गुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता है। आओ इनू सफला बनाइए। गुर इतिहास दे पावन प्रसंगां दे विच्चों आप जी ने सरवण कीता सी। पहले गुरदेव गुरु नानक साहिब जी, बाल कन्यां दे द्वारा उपदेश बख्शिश कर रहे ने। जग कौआ मुख चुंच ज्ञान, जग कौआ नाम नहीं जीत। इन्हां बचनां द्वारा साहिब जिया ने संसार दे हालातां दा वर्णन कीता है। नाम तो टुटी दुनिया किवें विचर रही है। आओ जिवें जिवें सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे ने, सतगुरां दे बख्शे पावन अमृत बचना दे नाल सुरत नूं एकागर चित करिए। प्रेम दी पाओ सांझ, गज वज के आखो जी सतनाम श्री हे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। नाम रतो चाहो तुझे और दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब जी बसंत राग द्वारा कर पहला अष्टपदियां दे रूप सरलेख दे हेठां उन्हां लड़कियां नूं बच्चियां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे ने जो काम दे विच अन्नियां होईयां ने, जिन्हां दे हिरदे विच रब दे नाम दा वासा है। चाहो तुझ और ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਨਿਤ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਨਿਤ ਭੌਰਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਏ ਚੱਲੇ ਸੋ ਚੋਰ। ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਏ, ਦੁਹਰਾਏ ਨਾਮ ਹੈ ਛਪਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸੋ ਚੋਰ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੋਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਚੁਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਚੁਰਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤ ਖੋਈ ਬਿਖ ਅੰਚਲ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤ ਖੋ ਲਈ, ਪਤ ਖੋਈ ਬਿਖ ਅੰਚਲ ਪਾਏ। ਅੰਚਲ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਲੇ ਦਾ, ਝੋਲੀ ਦਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤ ਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ,
झोली दे विच जहर पा लई। जहर का दी विकारां दी, ज्यों दे जी उन्हां दी पत नहीं है, ज्यों दे जी उन्हां दी इज्जत नहीं है। ये आत्मक तल ते गुरदेव बख्शिश कर रहे ने, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। ज्यों दे जी बंदे दी पत लै जे इज्जत लै जे उहदा जिउणा भी हराम हुंदा ए। गुरु साहब आखदे आ भाई जिन्हां ने नाम ही नहीं जपिया, धरती ते जिहड़े भार बने होए ने जिथे वह चोर हन उत्थे उहनां ने अपनी पत गवा लई, क्योंकि आ झोली विच उहनां ने विकार इकट्ठे कर ले। जग ते आए सी मुठियां बंद सन, कुछ लैके आए सी। जिस वेले संसार तो मनुख गया है, हर मरे हुए बंदे दे हाथ सिद्धे हो जाते ने, खाली हो जाते ने। कहिंदे फिर वो छुपा करके दुनिया तो औगणा नू करदे रहे, जग तो जांदियां औगण प्रगट हो गए। धर्म राज दी कचहरी विच सारा कुछ ही खुल गया, उत्थे भेद खुले आ। इस करके जिन्हां ने पल्ले विच नाम बन्नेया वो इत्थे भी सुखी है ते उत्थे भी सुखी है। जिन्हां नाम दी थां ते विकार इकट्ठे कीते, माया दे पदार्थ स्वीकार कीते, दोने लोकां विच दुखी हन। सच नाम रतो पत स्यों कर जाए। गुरु साहब आखदे सच नाम रतो पत स्यों कर जाए। जिन्हां जिन्हां सच्चे नाम नू जीवन विच कमाया है ना, वो दरगाह दे विच अपनी पत लैके गए ने, इज्जत लैके गए। इत्थे संसार भी उहनां दी पूजा करदा ते उत्थे धर्म राज भी उठ के उहनां दा सत्कार करदा। धुर की बाणी फरमाउंदी है गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मल्लिया। इत्थे जन्म सवारिया सच्चे रब की दरगाह दे विच जाके उहनां ने पिड़ अपनी थां मल लई है, बहण नूं थां मिल गई। दुनिया दे विच चंगा बहन खलोण सी, भगती करके जमाना सत्कार करदा सी, इत्थे भी जमाना चेते करदा कि उह गुरमुख जन सन रब नाल जुड़े हुए पर उपकारी सन। दरगाह दे विच गए उत्थे भी धर्मराज उठ के सत्कार करदा नमस्कार करदा। साहब कहिंदे जिन्हां दे कोल नाम दी दात है ना वह पूजे जांदे आ, जिन्हां ने नाम नहीं कमाया उन्हां पत गवाई है। जो किछ कीनस प्रभु रजाए, इत्थों तक भाणे विच रहिंदे आ, जो किछ कीनो सो प्रभु रजाए। जो संसार ते हो रहा है, जो होया है ते जो भी होएगा, कहिंदे सब मेरे वाहिगुरु दी रजा दे विच है, सब उहदे भाणे दे विच है। उहदे भाणे नूं किद्दां मन्नदे आ, तेरा किया मीठा लग, तू जो कीता वह मिठा लगता, तेरा कीता होया। साडा कीता ते सदा ही जहर है। असी अज जो कीता कल जो करांगे परसों जो करांगे, साडे कीते दा किते ना किते कोई नुकसान है। पर रब दे प्यारे वो आप कुछ नहीं करदे, वो कहिंदे जो करदा है करन करावण आपे आप, मनुख कह किश नाहीं हाथ। वो तो स्पष्ट कहिंदे आ बंदे दे हाथ विच कुछ नहीं, जो करदा वाहिगुरु आप करदा। इसे करके करता कहिंदे आ, ते करते दा कीता कदे माड़ा नहीं हुंदा। कई वार औखा लगदा पर रब दे प्यारे उहनूं मिठा करके मन्नदे ने। मिठे दा भाव की है, तेरा की आ मीठा लगे। मिठा किहनूं कहिंदे आ, कोई जीव दा मिठा नहीं है। ये इत्थे मिठे दा अर्थ है तेरा कीता सानूं बहुत चंगा लगदा, तेरा कीता सानू पाउंदा है। बंद बंद भी कटे गए कहिंदे तेरा की आ मीठा लगे, तत्तियां तवियां ते भी बैठे कहिंदे रब्बा तू जो कराया वह सानू चंगा लगे है। उलांभा नहीं है कोई, बंदगी जदों हिरदे विच आ जाती साहब कहिंदे तैनू बुरा लगना ही कोई नहीं, हर थां ते उही नजर आउणा है। मन निरभो मेरी माए, कहिंदे जदों भै हिरदे विच मन्निया निरभाओ मेरी माए, ऐ मेरी मां मेरा परमात्मा प्यारा सतगुरु निरभाओ अंदर कर देंदे। जिहदे मन विच भाओ है, जिहदे मन विच डर है, डर ते भाओ विच लए होए फैसले सदा ही दुख देंदे आ। निरवैर हो के लए होए फैसले वैर मिटाउंदे आ। गुरु साहब कहिंदे जिन्हां दे अंदर हिरदा निर्मल हो गया, मैल तो रहत हो गया,
उन्हां दा वैर किहदे नाल है? उन्हां नूं डर किसदा है? रब दे प्यारियां नूं ना मौत दा डर है, ना संसार दा डर है। अठ प्रकार दे डर उन्हां नूं नहीं सताउंदे। सानूं हर वेले डर है। हर बंदा डर दे साए च जिउंदा है, मैं कुछ वध ना खावां, कितें बीमारी ना हो जा, कोई बीमारी ना लग जाए, मेरी कोई माया ना लै जाए, मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मैनू ते मेरे परिवार नू कोई मार ना देवे। जे आ डर ने ते डर अगला भी है, मैं माड़े का महीने की ते पता नहीं धर्मराज की करूँ, केड़ी जूने पैना है। डर ने ना अंदर सतगुर कहिंदे जिन्हां दा मन मैला है उन्हां नू सदा ही डर रहिंदे ने, ते जिन्हां दा मन उजला नाम जप के हो गया उन्हां नू डर कदे। इन्हां बचनां नू सुन के वह सामने बैठियां औरतां इन्नियां शर्मिंदा होईयां भी साढ़े ते कर्म ही मैले आ, असीं ते पापां नाल भरियां होईयां, साड़ी ते बिरती विच सदा ही विकार चलदे ने, ते साडा भला कित्थे होणा। नेत्रां विच अथरू आउंदे आ, सतगुरां दे बचन हुण प्यारे लगदे ने। कामन चाहै सुंदर भोग, अगला वचन गुरु साहब आखदे आ कहिंदे कामन चाहै सुंदर भोग। कामन नाम है इस्त्री दा। कहिंदे इस्त्री दी जिंदगी सिर्फ पदार्थां ते निर्भर है। कामन औरत चाहै चाहुंदी है सुंदर भोग। सुंदर कहिए सोहणे, भोग कहिए पदार्थ। औरत नूं रोटी दा सबर नहीं है। साहब आखदे आ कहिंदे इहदी हर वेले बिरती पदार्थां च है, कपड़ियां च है, गहणियां च है, माया विच है। तीन चीज़ां तो बिना तो औरत नूं दिसदा ही कुछ नहीं। इस करके गुरु साहब ने स्पष्ट किया कामन लोड़ै सोयना रूपा, मित्र लुड़ेन सो खादाता। कहिंदे कामन औरत हर वेले सोना शिंगार कपड़े, तीजी गल कोई नहीं है। जे होगी तो माया दी। चौथा वचन इहदे कोल नहीं कोई। कहिंदे हर कामन चंगे चंगे पदार्थां नूं लभदी है, हर वेले विरती रहिंदी है, मैनू आह भी मिल जाए, मैनू आह भी मिल जाए। सैकड़े चीज़ां कोले होण पर अंदर नहीं रजदा। गुरु साहब कहिंदे भोग है भोग, सैकड़े भोग पदार्थ भोग के भी कामन की विरती नहीं रजदी, रजदियां नहीं अंदर। ते मित्र लुड़ेन सो खादा तां, कहिंदे मित्रां नूं जिन्ना मर्जी खवा दिओ हमेशा ही कहिंदे ने जी होर मिल जाए, आ भी कोई खवा दे, आ भी कोई दे दे। मित्र कदे नहीं रजदे। ते औरत सोना चांदी हीरे मोती कपड़े पदार्थ माया, इन्हां तों बगैर वह गल ही कोई नहीं करते। स्पष्ट वचन गुरु साहब ने जदों आखे ना, वो जिहड़ियां शिंगार करके सामने नचदियां सी, माया दे वलवले खिलारदियां सी, उन्हां नूं किते ना किते अंदरों ठोकर बजी भी असी भी तो यही कुछ कर रही हाँ। ये की है सोहना रूप? असल च सोहना रूप की है? वह तो विरले कोले है। तकरीबन जिन्ने असी मूँह सवारी फिरते हैं, कोई भी है कितने भी है, ये माया की देन है। एक एक चेहरे उत्ते लोगों ने लखा लखा रुपया खर्चिया पर सोहना फिर नहीं बनया। शरीर उत्ते रंग बिरंगे कपड़े पाए, शायद जिसम सोहना लगे चंगा लगे, बनया फिर नहीं। सोना चांदी हीरे मोती हमेशा इसे लिए पाए लोग मैनू चंगा कहण। सूरत चंगी लगती है पर सीरत अज भी मैली है, वह शुद्ध नहीं हुई। गरीब नवाज कहिंदे कामण ने तरह तरह के पदार्थ मंगे, हमेशा इच्छा रखी है, इच्छा भी उहदी भी जिहड़ा पदार्थ सोहना होवे चंगा होवे। गुरु साहब कहिंदे भोगां नूं भोगिया है रब चेते कीता नहीं। पान फूल मीठे रस रोग, पान फूल मीठे रस रोग। कहिंदे मिठे पदार्थ छकने औरतां दी शकीनी है। फुल पसंद कीते इन्हां ने, पान खाधे, पाना दे बीड़े खाधे। ते पुराने समय विच अमीर औरतां पान दियां शकीन सन। अज इलाका थोड़ा जिहा होर तरह का हो गया, हुण बीयर शीयर चली जाती, दूजे पासे तुरे होए आ, पर है उही कुछ है। गुरु साहब कहिंदे है की है ये मीठे रोग, ये बीमारियां ने। सब तो वध रोग एक औरत नूं लगदे आ। क्यों लगदे आ? बुरा थोड़ी क्या औरत, कारण दसदे आ। कहिंदे मिठा खाना, पदार्थ खाने, किते संजम नहीं रखना, यही कारण है मर्दां दे नालों औरतां नूं सब तो वध रोग हुंदे ने, सब तो ज़्यादा।
रोगों का कारण, छड़ना कुछ भी नहीं, जो मिल गया खा लेना, जिथों जो मिल गया कट्ठा कर लेना। गुरु साहब कहिंदे ये सब साध ने, रस ने, मिठे लगते आ, मिठे भाव चंगे। औरतों नूं मुफ्त का सूट मिल जाए तो बचदियां जी, भावे घरे लखां दे पए होण, लखां दे ते किते शगन च विआह च 500 वाला भी मिल जाए तो उहदे पिछे भी डंग खड़क जांदी है। भाव रस ने, उह पदार्थां दे रस ने, मुफ्त विचों जो मिलदा इकट्ठा कर लईए। साहिब कहिंदे मिठे पदार्थ फुल्लां नूं सुंघना दुखदाई है, महकां लाउणियां दुखदाई ने। अज जिहड़ियां औरतां साहिबां दे सामणे बैठियां ने, उन्हां अतर फलेल लाए हुए आ, पानां दे बीड़े चबे आ, दंदां ते दंदासे कीते हुए आ। साहिब कहिंदे रोगां दी निशानी है, इह रोग ने सारे। तुसीं किसे नूं रोगी बनाता, किसे नूं की बनाया, रोगी आप भी हो गए। पर सुपने दे विच भी इन्हां कामना नूं सुख नहीं, खिले बिगसे ते तो सोग। कहिंदे फेर खिले बिगसे ते तो सोग, जिन्ना जिन्ना खिड़खिड़ हसदियां ने, खेड़दियां ने, कहिंदे उन्ना इन्हां दे जीवन विच सोग कहिए कम है, दुख है। सब तो वध हासा कीदा हुंदा है? औरत दा। सब तो वध खुश कौन दिसदी है? औरत दिसदी है। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੋਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਬਿਰਤੀਆਂ ਫੀਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਦਲੀ ਹਾਸੇ ਨੇ, ਫੀਕੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੈ ਵਿਗਸੈ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮਨ 'ਤੇ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼? ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਾਮਣ ਔਰਤ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਨੱਚਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਖੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, 4 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰੋਣਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਤਨ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਟੇਗਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 80-90 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਗਾਇਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਰ ਫੇਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਮੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਰੱਬ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਕੀ ਨਸ ਹੋਗ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
मैं औगणा दा भरिया होया जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किश मेहरियो पाव डुब दे पत्थर तारे जीअड़ा अगन बराबर तपे अग वांगू तपदे पीतर वगे काती कहते छुरियां वगदियां ने अंदर ऐसी दशा हमारी है। अरदास करिया कर पातशाह मैनू अपने चरणा नाल जोड़ मैनू चरणा दी सिक्खी दे दियो मैनू नाम दी दात दे दियो। गुरु नानक साहब दे वचन कहिंदे एक तरह दीआं चपेड़ां सी उहनां औरतां ने सिर नीवें कर ले सवाल नहीं कीता कोई जिसम शांत हो गए आ नचदियां सी किलकारियां मारदियां सी काम दे डोरे पाउंदियां सी हुण नज़र भर के भी फकीरां वल नहीं वेखदियां क्योंकि सतगुरां दे वचन कन्नां विच मिश्री घोलदे ने कापड़ पहरस अधिक शिकार। महाराज कहिंदे की करदा फिरदा मना मेरे आ कापड़ पहरस अधिक शिकार आ कपड़े पहनी फिरदा तन ते तेरे कोल इन्हां दी हवा मारनी तन ते लोड़ियां दे शिंगार कीते इन्हां दा हंकार करी फिरदा कोई सदा शिंगार रहा साडे कोले किसे कोल डायमंड दा हार भी होवे जद लिया सी उदों पाया नहीं हुण पाउण लगे हुण लैण दी गुंजाइश नहीं बड़े गहने लोकां कोले लै लै के लोकां लॉकरां च रखी उहदा फायदा है कोई दस दिओ सिर्फ एक तमा है अंदर दी मेरे कोल इन्ने तोले सोना मोढ़ियां ते लिखाउणा चाहीदा है पता लगे दुनिया नूं गल विच पाउणा चाहीदा जे है ते पाओ रखिया कहदे लई है सिर्फ एक अंदर दी तमा। मर्द कहिंदे कपड़े पहने शिंगार कीता लोड़ियां दा हंकार चुकी फिरदा मेरे कोल इन्ने तोले सोना इन्नी चांदी है। साहब कहिंदे कदे गुणा दा मान कीता है भी मेरे कोल सेवा है सिमरन है अमृत वेला है चंगे जप तप हन कुछ भी तेरे कोल नहीं। कहिंदे कपड़ियां दा शिंगार है गहणियां दा शिंगार है शिंगार सदा नहीं रहिंदे गहने बदलते रहिंदे आ डिजाइन बदलते रहिंदे आ ते जद नूं गहणियां दा डिजाइन बदलदा उदों नूं बंदे दी शकल दा डिजाइन बदल जांदा है। दसां सालां बाद होर सी हुण किट्टी दे ब्रैड वर्गा होया फिरदा होरे तरां तुरिया ही नहीं जांदा खिसिया पिया थां थां तों। सतगुरां दे बचनां ने अंदर झंझोड़िया अंदर कहिंदे जिन्नियां बैठियां सी बाल कल्या 13 साल 12 साल 16 सालां दियां शर्मिंदियां ने गुरू दे बचनां तों नहीं अपने कर्मां तों। जदों सामने बंदा इन्ना वेखदा ना चेहरा वेखदा सच्ची उदों शर्मिंदगी हुंदी है मैं लखां रुपया इस चेहरे ते लाया इहनूं गोरियां बनाउण वास्ते साफ बनाउण वास्ते इह अज वी काला है लखां शकीनियां ला लो शीशा कदे झूठ नहीं बोलदा उह कहिंदा तेरे दाग पिया होए है तेरे कलख है चेहरे ते पर जिन्हें अपनी रूह का शीशा वेखिया ना उदों पता लग्या भी जन्मां जन्मां की कालख लगी औगणा का भरिया होया हाँ मैं तो कदे मैल ला ही नहीं मैनू तो जन्म मैल लाने वास्ते मिलिया सी उते काम ही नहीं किया। गुरु साहब कहिंदे आ कपड़े तन ते पाए शिंगार पाए इन्हां शिंगारां ने मन नूं बेईमान कीता ऐ माटी फूली रूप विकार माटी फूली रूप विकार कहिंदे रूप दे विकार अहंकार दे विच इह मिट्टी फुली फिरदी है मिट्टी शरीर फुले ही फिरदा हर बंदा मैं ते सोहणा बड़ा कॉम्पीटिशन चलदे आ बंदे नूं माण है कहिंदे मेरे जन्ना सोहणा कौन हो सकदा है वो अलग गल असीं माण नहीं करदे कहिंदे नहीं अंदर ते माण हर बंदे नूं है। साहिब कहिंदे मिट्टी फुली फिरदी है शिंगार करके बाणी लिखदी ना माटी को पुत्रा कैसे नचत है। साहिब कहिंदे हासा ही आउंदा मिट्टी दा बनाया पुतला किवें नचदा फिरदा अहंकार दे विच जिवें आप पता नहीं किहड़ी मैटल दा मनुख बनिया होवे भी मैं ते टुटना ही कदे नहीं जिहनूं पता मेरी होंद कल भी मिट्टी सी मेरा वजूद अज भी मिट्टी है ते मेरा अंत भी मिट्टी है ते उह हंकार विच नचे शिंगार करके कहिंदे कैसा लगेगा मिट्टी नूं शिंगारना। आम कलाकार लोग कुम्हार लोग मिट्टी शिंगार के एक उहदी तस्वीर बना दिंदे आ एक मूर्ति बना दिंदे आ उह बड़ी सोहणी लगदी है पर उह बोल नहीं सकदी तुर फिर नहीं सकदी बारिशां पैण बहुते मौसम की मार वह चल नहीं सकती उहदा रंग बदल जांदा है बेरंग हो जांदा है। गुरु साहब कहिंदे आ मिट्टी फुली फिरदी अहंकार दे विच शिंगार करके शिंगार किहड़ा जी बेकारां दा शिंगार। हुण इत्थे बाहर दे शिंगार दा जिक्र मर्द नहीं करदे असी अपने तन दा शिंगार की बनाया मन दा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदिया चुगली ईरखा द्वैषता लोकी सानू वेख के कहिंदे यार सड़ी वाला बंदा है ये तो सारा दिन अखां कढ के वेखदा रहिंदा है इहने ते कदे किसे दा भला मंगिया ही नहीं
आ साडी जिंदगी दा शिंगार है, इनू शिंगार कहिंदे आ। तुहाडी करम बोलदे आ, तुहाडी पिठ पिछों भी लोग कहण ना बंदा नेक है, भला इंसान है, साऊ है, सच्चा है, ईमानदार है, कोई उहनू करोड़ां भी लभ दे किसे दी पंजी नहीं रखदा। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਖੂਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਹੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਾਂਧੋ ਬਾਰ, ਆਸਾ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਧੋ, ਕਹੀਏ ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ। ਬਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਢੋ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ ਲਾ ਦੇ। ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਬੂਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮਨਸਾ ਇੱਛਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਓ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੋ ਰਹਿ, ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹਿ, ਆਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਆਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਆਸਾ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਨਾ ਕਰ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਏ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਕਿੰਨੇ NRI ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੀਲਿੰਗਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਨਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਬਾਰ ਨਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ। ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਘਰ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ, ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੇਟ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਗੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰਤੂਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੋਨਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੁੰਨਪਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਜਾੜ ਜਗਾਉਣ ਵੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਾਰ ਸੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਦੀ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੱਗ ਕਊਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੋਨਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਇਹ ਘਰ ਬਾਰ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੱਛ ਹੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕੰਨਿਆ, ਕੁਆਰ ਨਾਮ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੱਛ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੱਛਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਗੱਛਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੀਓ, ਧੀਓ ਮੇਰੀਓ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਸ਼ਬਦ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ,
गरीब नवाज सतगुरां दी रसना तो जदों बचन सुने ताहां निकल गईआं उहनां लड़कियां दीआं। की कहिंदे आ फकीर, गाछो पुत्री राजकुआर, ऐ राज कन्या चले जाओ इत्थों। कोई अज तक जिन्ने साध आए सी जिस्म नाल खेडदे रहे, लीरो लीर करदे रहे शरीरां नूं, ते उहनां दी हालत कैसी होई होणी जदों गुरु साहिब कहिंदे धीओ सवेर दा वेला हो गया चलियां जाओ। किहड़े हालातां विच बैठियां हो, क्यों कल्पदियां हो? नाम पणो सच दोत सवार। बड़े प्यारे बचन आखे, नाम पणो सच दोत सवार। साहब कहते नाम पणो जपो बोलो, सच्ची अपना जन्म सवार लवो। आखो सतनाम आ शिंगार कीते तन शिंगारिया, मन किने शिंगारे? जिनी दुनिया तुरी फिरदी तू माया, आपां जिन्ने भी आ मन शिंगारन दी गल कीती कदे नहीं, तन ते जोर लाया होया है। जवान लगा, छोटी उम्र दा लगा, मैनू कोई बुढ़ा ना आखे, मैनू कोई कमजोर ना कह दे, हर वेले धर्मी बंदियां दा भी जोर लगा होया है। धार्मिक लोग कहिंदे योगा करो, करदे की सी? योग सी भगती, एक्सरसाइज ते खड़ा करता लिया के। बंदगी करन वाले जिहड़े कहिंदे ना असीं रब नूं मन्नदे आ, वी भज्जे फिरदे, कहिंदे यार मैं कितें मरी ना जावां, कोई बीमारी ना लग जाए। बाबा किधर भज्जा फिरदा? कहिंदे 6 किलोमीटर भज्जणा। ठीक है, भज्जणा सेहत लई चंगा है, पर मिथ के भजो भी मैं जवान ही रहा, मैं बुढ़ा ना होवां, ये तो विकार है, ये तो हम है अंदर दी। गुरु साहब कहिंदे नाम भणो सच दोत सवार। भाई सच्चे नाम दे नाल अपने मन की मांग शिंगारो, हिरदा घर साफ करो, बाहर दे घरां नूं की शिंगार दिओ ते फिर मैले दा मैला। तुसीं नहा के आए होगे घरां ते, कई आउंदे आ नहा के, सवेरे उठ के नहाउंदे आपां कि दुपहर वेले नहाउण वाले नहीं हो जांदे? अंतां दी गर्मी है, पसीने नाल नहीं भरदे? दिन च 2 बार नहा के भी शरीर कहिंदा तू मैला हो गया ना लै, ते साहिब कहिंदे आ शरीर नूं शिंगार दे फिर दिओ फिर मैला हो ही जांदा है। मन जिहड़ा मैल नाल भरिया है इहनूं साफ कीता ही कदे नहीं, ये बारे सोचिया ही नहीं। इस करके चलिया जाओ इतों, नाम जपो, अपनी सुरत नु एकागर करो, सच्चे परमात्मा नु चेते करो। प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार। प्रियो सेवो प्रभ प्रेम आधार, कहिंदे प्रेम नु अपना आसरा बनाओ ए प्यारी धीओ पुत्रियो। प्रियो पति परमात्मा नु चेते करिया करो, ओ कदे मरदा नहीं। दुनियावी पति मर जाते जिन्हें मर्जी कोई वर्त रखी जाए। बड़िया औरतों ने सुहागना सी, अज पति नहीं, कलियां रह रही ने, पर कहिंदे ओ पति परमात्मा ना कदे मरे ना जाया। साहब कहिंदे ओ मरदा ही कदे नहीं, जिन्हें ओनू पति मन लिया उते सदा ही सुहागण है, सदा ही भागा वाली है। कहिंदे प्रेम करो, ओदे प्रेम का आसरा जीवन च बना लो। प्रेम की है? प्रेम तुहानू एक सपोर्ट है, प्रेम एक आसर है। असी दुनियावी तौर पर किसी नाल प्रेम करते हैं, कदों करते हैं? कारण की है? करना क्यों पै गया? जो मनुख नूं लगता मेरा कोई अपना नहीं है, मैं इकला हाँ, वो फिर प्यार दा सहारा लैंदा है। उहनूं लगता मैं किसी नूं अपना बनावा, ये मेरा आसरा बने, तो सारी जिंदगी मैं ये नाल बतीत करा, मेरा सहारा है। सतगुर कहते भाई आ दुनियावी लोगों का आना जाना लग्या रहना है, प्रेम करो, आधार बनाओ उस परमात्मा नूं। प्रभ जियो तू मेरो प्राण आधारा, जिन्ना जिन्ना उन्हें जपया ना, वह कहें वाहगुरु तू मेरे प्राणा का आसरा है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरा सुकून है। गुर शब्दी बिख त्यास निवार। गुर शब्दी, गुरु दे शब्द द्वारा बिख त्या त्यास निवार। कहिंदे अंदर दी जहर है ना जिहड़ी, इहनू खत्म कर, अंदर दी प्यास मिटा गुरु दे शब्द द्वारा। शब्द ऐसा है अंदर दी चिंता मुका दिंदा है, अंदर दी दुबधा खत्म कर दिंदा है। जन्मा जन्मा दी लगी प्यास नाम नाल मुकनी है। रोटी दी भुख लग जाए ये तो शरीर का विषय है, प्यास लगी है शरीर का विषय विषय है। मन नूं कदे भुख नहीं लगती रोटी नाल, कदे मन रज्जिया साडा पानी नाल रज्जिया कदे नहीं। मन दी भुख प्यास बंदगी है, रब दा नाम है। मर्ज कहिंदे अंदर दी प्यास लाओ भाई, बेकारां दी बिख छड्डो, जहर छड्डो। अंदर किन्नी जहर है, गुस्सा चढ़िया तो क्रोध तो जांदा है, एक एक रोम रोम अखां लाल हो जांदियां ने, रोंगटे खड़े हो जांदे आ, किड्डी वड्डी एनर्जी है। ते जे एनर्जी
वापस होके मन नाल जुड़ी होंगी तो इनू कंट्रोल करके रब के प्यारिया ने किड्डी वड्डी इबादत करनी सी। है तो जीवन का प्रैशर है ना गुस्सा, वाल्व कढ़दा बंदा अंदर दे, विकारां नूं बाहर कढ़दे पर निकलते नहीं, अग्रैसिव हो जाता भड़क जाता है। गुरु साहब कहते जो तू भड़केगा नहीं प्रेम च भिजिया होएगा। ये साहब साढ़े रूप च सानू उपदेश दे रहे हैं, कल्लियां उन्हां लड़कियां नूं उपदेश नहीं दिता, समुची मानवता नूं उपदेश है। साहब कहते अपने आ जीवन के शिंगारा नूं छड्ड के अंदर का शिंगार करो, प्रभु प्रेम दे विच भिजी रहा करो। दुनियावी लोगों का आना जाना चलता रहा है, वह परमात्मा कदे जमदा मरदा नहीं। मोहन मोहे लिया मन मोहे, गुरु साहब कहते असी तो वो जुड़े हाँ भाई। मोहन मोहे लिया मन मोहे, कहते उस मोहन प्यारे ने मोहन वाले ने साडा तो मन मोहलिया। मोहन मोहे लिया मन मेरा, गरीब नवाज बाणी विच आखदे आ कहिंदे उस रब ने मेरा ऐसा मन मोह लिया मैनू उहदे बिना हुण दिसदा ही कुछ नहीं। शब्द गुरु तो बिना कुछ नज़र ही नहीं आउंदा, अकाल पुरख तो बिना कुछ चेते नहीं आउंदा। ज्यों ज्यों उहदी बाणी सुणा, ज्यों ज्यों उहदे वचन सुणा, ज्यों ज्यों उहदे बारे सुणा, मन होर मोहिया जांदा ऐ। होर कै शब्द पछाना तोहे, सतगुर कहिंदे गुर कै शब्द पछाना तोहे। भाई गुरु दे शब्द द्वारा तू दूजियां दी पछाण कर सकदा ते अपनी पछाण कर सकदा। शब्द बिना पहचान नहीं आउणी, शब्द बिना समझ नहीं आउणी, पर ये शब्द प्राप्त होना गुरु दी प्रसाद कृपा द्वारा। गुरु बिना कुछ नहीं होना, इस करके बाणी ने लिखिया गुर बिन घूर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवै। गुरु बिना समझ कुछ नहीं आउंदा। मन्निया सी अकाल पुरख नूं रब कहीए मन्निए, पर उहदे गुणां नूं तां जाणांगे जे गुरु वाले होवांगे। गुरु दसेगा रब नूं मिलण दा सौखा तरीका किहड़ा है, क्योंकि गुरु आप ही अकाल पुरख दा सरूप हन। महाराज कहिंदे उस परमात्मा नूं चेते करिया करो, भाई जी ने साडा मन मोहिया तुहाडा भी मोहिया जाणा है। नानक ठांडे चाहे प्रभ द्वार, असी उस रब दे द्वार दरवाजे ते ठांडे खड़े हाँ हथ जोड़ के। गुरु कलगीधर लिखते हैं ना, ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए। रब्बा मैं हाथ जोड़ के तेरे दर ते खड़े हाँ, सिर नवा के तेनू बेनती करदा। पंथ चलै तब जगत मैं जब तुम करो सहाय। मैं खालसा पंथ नहीं साज सकदा, पर जदों तुसी सहायता करोगे पंथ खालसा तां उपजेगा। इस करके क्या है, ये खालसा परमात्मा की मौज में प्रगट होया है। मेरी मौज नहीं है, रब की मौज, परमेश्वर की मौज, अकाल की मौज में प्रगटिया होया है। किड्डी वड्डी निमरता है। गुरु नानक साहब कहते मैं ठांड्यो रब के द्वार से खड़ के दात मंगदा, रब्बा मैनू अपने चरणों का शिंगार दे दे, मैनू अपने चरणों का नाम दे दे, मैनू अपना आसरा प्राण आधारा दे दे। जब मैं तैनू अपना मनिया तो दर दर ते ठोकर ना खावा। इन्हां अमृत बचना ने कहिंदे उन्हां बैठियां बीबियां बच्चियां दे हिरदे तब्दील करके रखते। ऐसी करबट मन ते आई अंदर दे ख्याल बदल गए। तेरे नाम संतोखे कृपा तार, जिन्हां ने फिर नाम जपिया कहिंदी अंदर संतोख आया, संतोख आया। फिर ये थोड़ा किया भी मैं संतोखी हाँ, कहिंदी कृपा तार। जे अंदर रज गया ना, मैं नहीं रजिया ओदी कृपा नाल रजिया। जे संतोख आया ओदी कृपा, सबर आया ओदी दया नाल, सच आया ओदी कृपा नाल। ते असी किते सच बोलिया, मैं सच बोलदा, मैं सच बिना ही नहीं बोलदा जी कुछ। अज तक झूठ ही नहीं बोलिया कदे, असी ते आ नहीं कीता कदे। किड्डी वड्डी हौमे आ बंदे दी टारगेट कर कर बोलदा है। ते कदे बंदगी वाले नूं पुछो, बाबा जी नितनेम कर लिया, किन्ना करदे होने हो? पता की कहणगे हत्थ जोड़ के, कहिंदे भाई किहड़ा नितनेम हुंदा है, गुरु साहब जिन्ना क करा लैंदे कर लईदा। ते कोई साढ़े वर्गे नूं किन्ने बजे उठिया सी? उठिया चार दो बजे उठिया सी। की कीता? इन्नियां बाणियां पढ़िया, इन्नियां पंजो पढ़ लिया, सुखमनी साहब पढ़ लिया, आ पढ़ लिया, लाई चल रट्टे करी चल गिणतियां। बड़े आए बड़े गए तू भी तुर जाएगा, पर जिन्हां ने जपिया रौला नहीं पाउंदे। हुण जिन्हें प्यार कीता सज्जन नाल, उस सज्जन नाल होईयां गल्लां दसदा।
दुनियावी तौर पर कोई रिश्ता किसी के प्रेम का भावे भैन भरा का मित्रां दोस्तों का है, मित्र मित्र नाल कीती गल अगे नहीं दसदा, तो फिर वो सिख गुरु नाल करी हुई गल का रौला पाँदा फिरदा, कहिंदा इन्ने पाठ कर ले, इन्ना सिमरन कर लिया, प्रेम है कहते सिर्फ दिखावा। गुरु साहब कहिंदे अंदर दा संतोख फिर वाहिगुरु की दात बनती है। सुन कर श्री गुर बचन रसाला, महिमा नाम मुक्त जन माला। सतगुरां दे बचनां नूं सुन के इन्हां औरतां ने लड़कियां ने पद्मणियां ने उठ के चरणां ते सीस नवाया, अखां दे हंझू साफ कीते, हुण नजरां भर के तकिया ते फकीर रब्बी ने सारी रात जिन्हां नूं उकसाउंदियां रहियां, आओ विकार भोग लो, आओ साडी जिंदगी नूं वेख लो नेड़े तो, अज पछतावा होया। वही असी उस रब नाल कलोलां करदे रहे जिस परमात्मा ने सारी सृष्टि साजी, जिस प्रभु ने सानू बनाया है, उन्हूं टीचरां करदे रहे। किन्ना बंदा उदों हैरान हुंदा जदों किसी की बनाई हुई चीज़ दियां गुणवत्ता असी आप दसीए ते पता लगे भी जिहड़ी चीज़ की हवा मैं करदा फिरदा सी उहनूं बनाउण वाले ते इही सी। शर्मिंदा हुंदा ना बंदा फिर भी मैं तो कुछ भी नहीं सी, मैं तो वड्डा बनिया फिरदा सी दे सामने। कहिंदी उह सतगुरां दे सामने बैठियां, महाराज ने उहनां नूं धी शब्द आखिया भी चले जाओ पुत्री, धीओ जाके नाम जपो, अमृत वेले दा वक्त है। और पहराए परम परम पा प्रोमा, सिमरन लिव लग मग जो खेमा। जिस वेले सतगुरां दे चरणां ते मत्था टेकिया, गुरु नानक साहब जी ने उन्हां बच्चियां दे सिर ते हथ रखिया, कहिंदे शब्द नाल लिव उदों लगी जदों मत्था चरणां तों चुकिया। आखो सतनाम, जिहड़ियां जीवन डोबण आईआं, जिन्हां ने पता नहीं किन्नियां दा बेड़ा गर्क कीता होणा, किन्नियां दा जप तप खराब कीता, वे अज गुरु बाबे दे चरणां ते डिगियां शब्द दा उपदेश सुणिया, अखां चों हंझू सी, बेवस सन, प्रेम नाल भिज्जियां होईआं ने। ज्यों बराट का जाचत कीरा, होए अचानक प्राप्त हीरा। चित नहीं करता उठ के जाण नूं, पर दिन चढ़ गया। फिर भाई बाला जी प्रमाण दे के दसदे आ, कहिंदे एक बंदा कौडी कौडी मंगदा फिरदा सी, कोई एक रुपया दे दिओ, कोई दो दे दिओ, बच्चे पालने आ। कहिंदे कोई नूर लभ गया, हीरा मिल गया, अज करोड़ां दा मालक हो गया, किन्नी खुशी होगी एक मंगण वाला राजा बन जाए। कहिंदे ओह विराटका मंगण वालियां, दर दर ते नचण वालियां, भावें किन्नियां खूबसूरत सी, पर सी ते राजे दियां रखेलां, एक राजे दे मुताबक वह अपना जीवन बसर करदियां सी, जिवें कहिंदा सी नचो नचदा सी, जिथे भेजदा सी जांदियां सी। अज मन लो कहिंदे नाम रूप हीरा प्राप्त हो गया, जीवन एडा उच्चा हो गया, माण ते सरूर नाल जिंदगी भर गई। गुरु नानक साहब जी नूं अखां भर भर वेखी जांदियां हंझू ने, जिवें एक धी अपने पिता वल वेखदी है ना, अज इन्हां नजरां दे विच पिता वाला प्रेम है। त्यों आनंद भाव वरन न जाए, बिखे वासना अग्न बुझाई। विषे वासना की अग अंदरों बुझ गई, मन शांत होया, शीतल होया, प्रेम जागे है। भाई बाला मरदाना जी सतगुरां दे कोल बैठे ने, रबाब बंद कीती, गुरु बाबा जी समाधि च बैठे आ, ध्यान जुड़ गया, बड़ी देर तक बह के हाजरी भरी, एकाग्रता इन्नी, शीतलता इन्नी, हुण चंदन दे कोल बैठे कोई ठंडी खुशबू आउंदी है, सर्द इलाकियां च जाइए ठंडियां हवावां चलदियां ने, वो गुरु साहब दे कोल बैठ के कहिंदे ठंडी महक आवे, अंदर नूं शांति आवे, चित करे बैठियां रहीए, उत्ते तपदियां रहिंदियां सी, कल्पदियां रहिंदियां सी हल वेले। जिन्हें शिंगार करके नचना है वह परेशानी है, कदे जे परेशानी वेखनी तो चैक कर लो अज के समय, जिन्हें लोहड़ियां का शिंगार लाया वो ना, चलो अगे जमाना से लोग शीशे ज रखते सी, हुण ते सैल्फी वाला कैमरा, दो दो मिनट बाद वेखते वाल तो नहीं खराब हो गए, यही साडे वालियां दा काम है, पग्गां वेखी जाणियां ने, टेढ़ी तो नहीं होगी, लग तो नहीं गया, किड्डा वड्डा मन उत्ते बोझ है ना ये, तो जिहदे दिमाग ते मन ते दिल ते हर वेले बोझ है, वह जीवन च सुकून कित्थे है। गुरु साहब ने ऐसी कृपा की,
अंदर का बोझ कटिया गया, मन नू शांति आ गई। चरण सेव कीनी सब जामन, मेहर दृष्ट ते उदरी कामन। गुरु साहब की मेहर नाल उधार हो गया। बड़ी देर अपनी इच्छा दे नाल सतगुरां दे चरणां च बैठिया रही, चरणां नू स्पर्श कीता, धूड़ चुक मत्थे ते लाई। किड्डा वड्डा पलटा जीवन जाया। जिहड़ियां कहिंदियां सी फकीरों सेजा ते आओ, जिन्हां नू ए लगदा सी वड्डे वड्डे आए गए ए भी डुब जाणगे, पर अज एकदम वेसवामा तो नजरिया धियां वाला बन जे, ये मेरे सतगुर ही कर सकते आ। एडा वड्डा नजरिया बदलिया, अखां चो हंजू आ, अंदर भरिया होया, चित करदा सिमरन करिए। सतगुरां ने कहा सत करतार जपिया करो, वाहेगुरु वाहेगुरु चेते करिया करो। होर पई जहें थी अवनीपा, पहुंची ताके जाए समीपा। आग्या लेके आखन लगियां पिता जी जा सकदे आ। पिता जी शब्द वरतिया, बड़ा पवित्र शब्द आ पिता। गुरु साहब जी ने हाथ दा इशारा कीता, धियो जाओ। उदास ने, अंदरों बहुत खुश ने, पर अपने कर्मा तो उदास ने। कई बार ना असीं खुश भी बहुत होंदे आ ते दुखी भी बहुत होंदे आ। खुशी यह होंदी है नहीं चाहिया सी ओह मिल गया, उदासी इस गल दी है भी हुण करिए की। बहुत माड़े काम कीते पहिलां, पछतावा भी हुंदा उन्हां चीज़ां दा। कहिंदे पछतावा इस गल दा सी, हर फकीर दे नाल असीं माड़े कर्म कीते, मंद कर्म कमाए, वो असीं ते रब नूं नहीं सी बख्शिया। कोई पूर्वला कर्म जाग गया, खुशी सी सानू सतगुर मिल गए। कहिंदे जी ये राजे दे दरबार च ना गईयां, की करन जाणा है। राजा शिवनाभ सवेरे उठिया, उन्हें वेख्या भी फकीर भी डुब गए होने। उन्हें इन्हां लड़कियां नू सद्दा दिता जिहड़ियां वाल कन्नियां सी, दरबार च बुला के पुछदा है दसो हाल, रात फकीरां नाल किवें रही। नृपत बिलोकत बचन बखाना, कहो संत निसकस पहचाना। राजा फिर पुछदा दसो रात वेले संतां दी हालत की सी, क्योंकि बाल कन्या ने विशवां ने विश भरिया इन्हां दे अंदर। विशवां नूं कहिंदे आ जिहदियां अखां विच विश, चमड़ी विच विश, साहां विच विश होवे, विश नाम जहर दा हुंदा विशवा। जहर दियां भरियां मर्ज लिखदे आ ना, इह विस भरियां गंदलां भरियां संगलवाड़। कहिंदे जहर दियां गंदलां भरियां होईयां ने जहर ते, ते फिर जहर ही पैदा होना है। जिस बूटे च दुध होएगा वह जहरी होएगा। अक वेख लो, खोई वेख लो, जो राजे के दरबार च आईया ना, अज कहिंदे बड़ियां शांत खड़ियां ने जी, संदूर जे मिटे हुए आ। राजा पुछदा ये हालत तुहाडी क्यों है, नहीं बोलियां, चुप ने। वो जिहड़ा रब दे नाल अंदरों जुड़ जाए ना, वह सफाइयां देने च विश्वास नहीं रखता। आखो सतनाम, वह कहिंदा किनू सफाई दा, मैं रब नू देंगा। जिन्हें मैनू जन्म दे के भेजिया, जिन्हें मेरे तो लेखा लेना, मैं उन्हों हिसाब देंगा। दुनिया कौन है हिसाब मंगण वाली, मेरे नाल जाना किने, मरना किने आ नाल मेरे, ते मैं लोगों को सफाइयां दे जीवन क्यों खराब करा, नहीं बोलियां। फिर उस वेले परसुराम बोलदा मंत्री राजन, इन्हां लड़कियां की हालत बद तो बदतर लगता है की उन्हां साधां ने। वो अपने अंदाजे लाउंदे आ। फिर पुछया गया दसो तुहाडे नाल रात वेले की बीतिया, की साधां ने कहा। सवेर हुंदिया सजा देंगे, हुण समा समाप्त है जी, जो कुछ होना है, क्योंकि ये कसवट्टियां राजे दियां चलदियां ने। अमृत बचन महाराज ने उच्चारण करके इन्हां पापणां दा निस्तारा कीता है, कि साडा भी भला हो जाए।